हेलो एवरीवन, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। आज कैबिनेट, एचपी कैबिनेट की मीटिंग थी, तो उसमें जो निर्णय लिए गए उसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे जो न्यू कमीशन है उसको लेकर, और जो एचपी कैबिनेट द्वारा जिन पोस्टों को लेकर, जिन भर्तियों को लेकर मंजूरी दी गई है उसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप सी भर्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सेकंड है आपके पास जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी है शिमला में एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 पद भरे जाएंगे। और जो ऊना जिला है वहाँ जो चौकी है टहलीवाल पुलिस चौकी, उसमें पुलिस थाना में चेंज करके 14 पद उसमें भरे जाएंगे। नेक्स्ट है जी, पुलिस विभाग में 1226 कांस्टेबल भर्ती होंगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एचपी पुलिस में 1226 कांस्टेबल भर्ती के लिए मंजूरी कैबिनेट द्वारा दे दी गई है। तो अब इसमें जल्द ही इसकी भर्ती होंगी। उद्यान प्रसार अधिकारियों के 50 पद भरने की स्वीकृति मिल गई है उद्यान प्रसार अधिकारियों की। और जो स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट के 10 पद भरने की भी मंजूरी आज कैबिनेट द्वारा दे दी गई है। अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12, सहायक खनन निरीक्षक के 24 और खनन रक्षक के 38 पद भरे जाएंगे। तो इसको लेकर भी मंजूरी कैबिनेट द्वारा दे दी गई है। तो इन पोस्टों को लेकर कैबिनेट द्वारा आज मंजूरी दी गई। अब जल्द ही इनकी एडवर्टाइजमेंट कर दी जाएगी 1-2 महीने के अंदर अंदर। थैंक यू दोस्तों।